पूरे पाकिस्तान में मचा तहलका, पीएसएल और ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा रद्द। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान अपनी हरकतों के कारण देश में होने वाले क्रिकेट को खत्म करने की कगार पर ला चुका है। वहाँ का क्रिकेट बोर्ड हर बार देश में इंटरनेशनल क्रिकेट लाने के प्रयास करता ही रहा है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो इस सपने को पूरा नहीं होने देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर में बम धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। दूसरी ओर 27 जनवरी से वहाँ पाकिस्तान लीग का आयोजन होना है। साथ ही मार्च महीने में ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। लेकिन ये बम धमाके क्रिकेट पर संकट के बादल ला रहे हैं, जिसे लेकर अब वहाँ के फेडरल मंत्री शेख रशीद अहमद ने खुलकर बयान दिया है और क्रिकेट होने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन देश क्रिकेट की वापसी में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि धमाका करके पीएसएल ऑस्ट्रेलिया दौरे में रुकावट डाली जा रही है। फेडरल मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में कई विदेशी खिलाड़ी भाग लेते हैं। साल 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, उस टीम की बस पर आतंकी हमला कर दिया गया था और बस उसी के बाद से देश में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गया। कोई भी विदेशी टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करना चाहती है, लेकिन वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने धीरे धीरे चीजों में सुधार किया और कुछ टीमों ने वहाँ का दौरा भी किया है। इसी कड़ी में साल 2021 में न्यूजीलैंड की टीम भी पहुँची थी, लेकिन वनडे मैच के टॉस से ठीक पहले कीवी टीम ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मैदान पर आने से मना कर दिया था और बाद में दौरा रद्द करके न्यूजीलैंड लौट गए, जिसके बाद इंग्लैंड ने भी पाक आने से साफ मना कर दिया था और सुरक्षा को इसका सबसे बड़ा कारण बताया था। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।